الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم، صدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان سري أنا سره. طيبان يكو كعب أي مقصد به तैबा हिस्सु काब मकसद कहिए डेली से नबी सल्लम को संगे असर कहिए हक अदा करना है अगर हक ताला का तो दिल से एक बार या मोहब्बत के दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना हबीबना मदीना रसूलना मौलाना मुहम्मद वला अली सय्यदना हबीबना मदीना रसूलना मौलाना मुहम्मद बारक सल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा सदरे जलसा दीगर सादात किराम मशाइख इज़्ज़ाम उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम मुफ्तियान इज़्ज़ाम सामईन इज़्ज़ाम अजीज दोस्तों प्यारे माँ बहनों और प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फजल है कि उसने हमें आदम से वजूद में लाया। क्यों लाया? खबले कुन वो यक्ता था कुन तो गंजन मफ्तियत हदीस है, दूसरी है कि उन्हें छुपा हुआ खजाना था। फहबत हूँ से इश्तिया हुआ कह के लिए बिलू पहचाना जाने के लिए उन्हें छुपा हुआ खजाना था। कबले कुन पूरी कायनात को क्यों पैदा किया? अपनी पहचान और मारिफत के लिए। तो उसकी पहचान कराने के लिए ये कायनात को बनाया, अदम से वजूद में सब चीज को लाया। कबले कुन सब चीजें थे, हम भी थे, तुम भी थे, पूरी कायनात भी थी, मगर काफी अयाने साबिता ने थी, मालूमात इलाहिया ने थी, नॉलेज ऑफ ऑल वे थी अल्लाह ने थी, फैज़े अखदस ने थी। सब थी, पूरी कायनात थी, उन्हें अच्छा था, उन्हें अच्छा था, जाती तौर पे उन्हें अच्छा था, सिर्फ जात थी। हम लोग थे, सोती थे, सिफात का थे, बातिन में थे। अल्लाह ही अल्लाह था, उसे इश्तियाक हुआ, शौक हुआ कई के लिए, पहचाना जाने के लिए, मारिफत के लिए कि लोग अल्लाह बोले जाने करें। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह आदम आदम से वजूद ने जो लाया कई के लिए लाया ताकि उसकी मारिफत हो, पहचान हो। क्या बात। तो इस वास्ते इल्म सीखना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमतुन मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज बोले हदीस है। हुजूर सुनते बोले नफिले बोले फर्ज। इल्म सीखना फर्ज है और इल्म का मकसद क्या है? इल्म क्यों सीखे? इल्म सीखना फर्ज है मगर इल्म सीखने का मकसद क्या है? तो इल्म का मकसद ही मारिफत इलाही है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। जिस इल्म से अल्लाह की मारिफत नहीं, वो जहालत है।
एमए पढ़ाऊंगा, पीएचडी क्या होगा, वक्त अल्लामा दहर होगा, मगर उसे अल्लाह की मारिफत इदराक, अल्लाह का एहसास नहीं हुआ, अल्लाह की मारिफत नहीं हुई, उन्हें जाहिल। इल्म सीखना फर्ज है, इल्म का मकसद मारिफत इलाही, खालिक कुल की पहचान, ये कौन है, क्या है, कई को बनाया दुनिया, हम ना समझी, कई को भेजा, और खालिक कुल को पहचानना, ये इल्म का मकसद है, है ना। इल्म भी दो तरह का है, अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाही अलैह, बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाही अलैह बड़े बुजुर्ग वली, उन्हें क्या लिखते हैं जगह, मुर्दा इल्म मुर्दे से सीखा, इस वजह से तेरे में मुर्दापन है। जिंदा इल्म किसी जिंदे से सीखता, तेरे अंदर जिंदा बना था। बायजीद बुस्तानी का फैसला, ये मेरा तुम्हारा नहीं, किसी मौली मुफ्ती का फतवा नहीं, हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, मुर्दे से मुर्दा इल्म सीखा, स्वस्थ तेरे में मुर्दापन है। किसी जिंदे से जिंदा इल्म सीख लेता तो जिंदापन आता, ये मुर्दापन क्या, ये जिंदापन क्या, हमें कब मुर्दा, हमें कब जिंदा। तो हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जाकिर है वो जिंदा है, जो गाफिल है वो मुर्दा। सुभान अल्लाह, हदीस है, क्या बात, हदीस है, कौन जाकिर है जिंदा, उन्हें जिंदा, कौन गाफिल है मुर्दा। अब चक्कर को देख ले कि तेरी हर सांस क्या बोल को जा रही, क्या बोल को आ रही है, सांस जा रही आ रही नहीं, किसके ख्याल में, किसके जिक्र में, तुझे अल्लाह का ख्याल है क्या, अल्लाह का एहसास है क्या, अल्लाह क्या तुझे मालूम क्या, अल्लाह से मालूम नहीं, कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहा है, कौन अल्लाह, क्या है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह, किसे बोलते अल्लाह, कौन तुझे पैदा करया, कहीं को पैदा करया, तू दुनिया में आने से पहले कहाँ था, अब क्यों आया, मरने के बाद कहाँ जाता, ना तेरा माजी तुझे मालूम है, ना तेरा मुस्तकबिल तुझे मालूम है, माजी भी तुझसे गायब है, मुस्तकबिल भी तुझसे गायब है, पहले जान ले कि तू क्यों भेजा गया, ये जरा जरूरी चीज है। किस्से वाकियात कहानियां घंटे बोल को कहेंगे तो तुम्हारा करना है ना मेरा करना है, कौन बदनसीब है जो वली की करामत को नहीं जानता। ख्वाजा हिंद, ख्वाजा हमारा ख्वाजा हिंद का राजा, हमारा ख्वाजा हिंद का राजा, गुलाम ख्वाजा हर गली का राजा, हमारा ख्वाजा हर गली का राजा, हिंद का राजा, हमारा ख्वाजा हिंद का राजा, गुलाम ख्वाजा हर गली का राजा। जो सही मामले में ख्वाजा का अगर गुलाम है, उन्हें ठोकर मुर्दे जिंदा करता, हर गली में राजा सुने, उसकी राज चलती। तो ख्वाजा साहब को हिंदुस्तान खुद नहीं आए, तारीख इशारे में बोल तो जलसे पोस्टर में है कि जरा उसे ख्वाजा ख्वाजा के बारे में जरा बोलना, क्या बोलेंगे पोस्टर में डाले थे, ख्वाजा का महीना था, ख्वाजा की छट्टी का था, क्या जी नहीं बोले, बोलते नहीं, ज्यादा नहीं, खाली थोड़ी इशारे किनारे में ख्वाजा का बाद में असल हो गया, तुम ही समझो ना पोस्टर की दबाई। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार है, खुद हिंदुस्तान को नहीं आए, हिंदुस्तान को खुद नहीं आए, क्या बात, 20 साल अपने थी हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तआला की खानकाह में 20 साल खिदमत करे, खिदमत बढ़ गई, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी जो उनके पीर मुर्शिद है, मदीने को विदा सरकार यहां तक तो मैं तैयार करें, मोइनुद्दीन को तुम्हारा काम है, आवाज आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया है, उस्ताद का शहंशाह बना दिया,
तो सरकार के हुकुम से ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला हिंदुस्तान को आए। अजमेर कहाँ है से उनको मालूम नहीं था, है ना, सरकार ने उनको बता दिया, बशारत में बता दिया, कश्मीर में बता दिया। तो अजमेर शरीफ को हिंदुस्तान को ख्वाजा आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, बहुत में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान को ख्वाजा गरीब नवाज आए। आप और क्या करें, सबसे पहले तालीम दिए खानखा की, खानखा तालीम, उनकी सोहबत में अपना भी आया, पराया भी आया, गैर भी आया, हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, जो भी आया आया, सबको लगा लिए गले से, अपनी सोहबत में बिठाया। खानखा उसी को तो बोलेंगे, ना मस्जिद बनाए ना मदरसा बनाए, ख्वाजा का पहला तालीम शुरू ही खानखा से। तो मालूम क्या हुआ, हिंदुस्तान इस्लाम फैला खानखा की तालीम से। तालीम दिए, दस्त दिए, लोगों को मोहब्बत से अपने करीब कर दिए, लोग दीवाने बनते गए इनके अखलाक से, किरदार से, मोहब्बत से। तो ख्वाजा उनको लगा लिए, ये नहीं बोले कि तो गैर है तो नहीं आना, तो नहीं, अगर नहीं लगा लेते तो ये भी मुसलमान नहीं मिलता। ख्वाजा हर एक को लगा लिए, लगाने को अपना बन चला। इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है, शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, बिदअत क्या है, ये सब चीजें ख्वाजा बताए उनको। बताने के बाद वो लोग तौबा कर लेकर तलवार के जोर से नहीं, पैसे से नहीं, न दर से, न जोर से, न तलवार से, ख्वाजा हिंदुस्तान में तबलीग करे, पैसे लोगों को देखो, खर्चा देखो, धंधे पानी करा को नहीं करे बाप, ख्वाजा किरदार से, अखलाक से, मोहब्बत से करीब करे। करीब कर को तलवार में चलाए, क्या करे, अल्लाह की हकीकत से वाकिफ कराए, तो लोग तौबा कर लेकर मुसलमान बने। सुभान अल्लाह, ये ख्वाजा की, ख्वाजा की सुन्नत अदा कर। हमें भी हर एक को तेरा बैठा, तेरा बैठा, तू जा तू जा, अरे सबको दूर करा तो भी लेता किसे, फिर भटक को गया रहेगा, क्या कि फर्क आया होगा, उसे बुरा कहीं को खरीद कर को कुरान हदीस ले को समझा। मौलवी मुफ्ती का फतवा न को बता, इख्तलाफात है कुरान हदीस सामने बैठ, फिर तू जिस अकीदे पर है वो अकीदा कुरान में नहीं कर, जिस अकीदे पर तू है हदीस में है क्या, पूछेंगे कुरान को तो ईमान नहीं, कोई भी इनकार नहीं करेगा, है नहीं। मगर दोस्तों, तो आज के दौर में सरकार गरीब नवाज, सरकार जो हिंदुस्तान को आए, मोहब्बत का पैगाम लाए, दीन का पैगाम लाए, अल्लाह रसूल का हुक्म दे को आए, लोगों को खरीद करे, है नहीं। और वहां के उस जमाने के लोगों ने भी आप पर जुल्म सितम करना चाहा, कैसा करे, पहले बोले यहाँ कई को बैठते हैं कि तुम्हें हमारे मुंह काम बैठते जगह, तुम्हें जगह बैठना नहीं, जगह खाली करो। अजनबी आदमी कहाँ जगह मिली वहां बैठे, उनको क्या मालूम कि मुंह काम बनते कि घोड़े बनते। अब उन लोगों को मालूम इसका गुरुदेव राज को, उसकी माँ बोल को थी, बोली इधर ये तेरा फकीर होने वाला है, आया तो तेरा खातिमा करता संभव को बताओ। अजीब क्या सोचा, कौन सा नवाज ने क्या अजमेर में क्या, तो पहले खाली था, डर था उसे क्या। अब ख्वाजा अपने चेलों के साथ तक बैठे तो बोल रहा सिपाही, नहीं साहब यहाँ नहीं बैठना तुम्हें, ये देखो हमारे मोटा बैठने जगह तुम्हें की बैठती नहीं कहा, ख्वाजा क्या मालूम मोटा बैठने की क्या, अच्छा जी ख्वाजा भाई मोटा को बोले तुम्हें बैठो मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा वहां से उठे, ऊंटा ऊंटनीश नहीं, क्या बात है, सिपाही ताजुब हुआ, रोज मैं इनको चरा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब्जी कर रहा हूँ, उठो रे का तुम मेरी नहीं सुन रहे, ऊंटा कौन की फकीर बैठो रे का बैठ को छोड़े। क्या बात, उस सिपाही का को राजा ने बोला क्या कि कौन की फकीर आया, दाढ़ी मिली है तो बैठ ली, उठवा या नको बैठो ऊंटा बैठेंगे तो जाते जाते ऊंटा को बोले तुम्हें बैठो मैं जाता हूँ, तो ऊंटा उठ नहीं।
अरे भूल पड़े तो भूखे मरेंगे रे, गलती है कि चक्कर को पहले बूटा उठा लेगा कहा जा क्या बात, गलती हो गई माफ करो, एक तो बूटा सुबह से बैठे न्यूट्रिश नहीं, खाना ना पानी ना चारा, यू ही बैठे तो मर जाएंगे, ऐसा क्या। अच्छा खा जा बूटा, बोले उठो बाग है बूटा उठे, मैं आपकी छोटी फिक्र दे रहा हूं भाई, उन्हें जानवर हैवान हो तो ऊंट खाजा की सुनिया, क्या बात है क्या बात है, तू मुसलमान हो को खाजा की नहीं सुनिया तो वो हैवान से भी गया क्या। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, जनरल टॉपिक बोल, क्या बात, बैठो रे बतो ऊंटा बैठती, उठो रे बतो उठी, मैं जरा ख्याल में ऊंटा को पूछा, ख्याल में तो ना बात आती जाकर सोचेगा, ख्याल में अरे ऊंटा तुम्हें कीड़े को खाजा की सुनी, तुम ना रात दिन चलाने वाला बोला तो कीड़े सुनी नहीं, ये खाजा की कीड़े सुने, ऊंटा की ख्याल में जवाब देती हजरत उन डायरेक्ट आते तो नहीं सुनते थे, हुजूर के हुक्म से आए, सुभान अल्लाह, हुजूर का भेजा हुआ, सुभान अल्लाह, हम के लाजिम हो गया आपकी तादीम करे, सुभान अल्लाह, माने सुभान अल्लाह, जो आने वाला मर्जी से नहीं आया बहुत के मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत बात है, क्या कर रहा अना सागर के पास जाकर ठिकाना डाली, अरे नको भाई पानी बंद कर छोड़ो उनको, रहता ना डेंजर क्या भाषा, तो आपको से कोई बोला क्या तुमने आज से यना सागर का पानी बंद, दूसरे पी जाए खाजा के चेले और खाजा नहीं पीना, हिस्ट्री मुख्तसर बोलो, असल मौजू मेरे ने तमीज क्या मैं तुम्हें, क्या बात खाजा बोले ऐसा क्या बात, पानी ये क्या नवा नहीं ले, मेरे दादा को जी करबला का बनकर को है, सुभान अल्लाह क्या बात है, ये जी करबला में इमाम हुसैन को पानी बंद कराया था, नहीं क्या बात, ये नवा के आज कर आप ना बोली इसलिए क्या करना, मेरे दादा वहां करामत नहीं दिखाए, एक कहता हूँ के सामने दाढ़े वाले थे, जुबे वाले थे, पगड़े वाले थे, रुकू सजदा करने वाले थे, क्या आगे नहीं दिखा, और मेरे सामने रुकू करने वाला है ना सजदा करने वाला है, ना दाढ़ी वाला है ना छुपने वाला है, या तो खाली झूठा वाला तो खाजा अपने मुरीद को बोले ला एक लोटा पानी जाको अना सागर के तालाब में से ला, वो तुझे खाजा बुला रही है, ये लोटा पानी अना सागर तालाब का लेना क्या था, पूरा पानी खाजा के लोटे में आया, सुभान अल्लाह, अना सागर का तालाब भी आया, नदी का भी आया, दरिया का भी आया, औरतों का दूध भी आया, हैवानों का दूध तक भी आ गया, पूरे अजमेर शरीफ में खुशहाली हो गई, पूरा दूध पानी गिनी सब खाजा के लोटे में आया, अब राजा भी प्रेरणा प्रजा भी परेशान, कहां गया पानी, कहां गए तालाब पानी नदी नाले सूखे बुदा कहां रे गया, पहले वो लोटे में गया, अगला सोचता है वो तो बड़ा तालाब वो ते नदियां नाले इतने छोटे लोटे में कैसा गया रहूंगा, आज की साइंस तुझे तहकीक कर तो बताई सिम कार्ड करा कितना इंटरनेट का क्या टुकड़े में पूरी दुनिया कैसे आ गई, सुभान अल्लाह क्या बात, सिम कार्ड करा कितना है रे छोटा ही नहीं क्या बात, चिप नेट का इंटरनेट का सिम इतना छोटे में दरिया भी देख रहा है, पहाड़ भी देख रहा है, दुनिया देख रहा है, अरे इतने छोटे से कौन रे बनाया सो ये काफिर यहूदी का दमाग अल्लाह की दी हुई ताकत से क्या कि मोबाइल सिम बनाया, ये काफिर के बना हुई सिम में इतनी पूरी दुनिया आ रही तो तुझे डाउट नहीं करता, फिर वो मेरा खाजा बनाया सो सिम में तुझे डाउट करेगा, क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है बाबा खाजा बनाए तो लोटा सिम छोटा सुभान अल्लाह,
दुनिया का पानी कब्जे में अजमेर के परेशान कर रहा अरंगा पानी तो खाजा बोले आया अल्लाह वाला बोला आया अब बाद में भी राजा प्रजा परेशान नहीं क्या की गलती हो गई माफ करो चरिंदे परिंदे बच्चे बूढ़े परेशान पानी में जब वो लोटा पानी कहां से लावा था जाए अल्लाह सागर तालाब में पानी डालना क्या था पूरे अजमेर में पानी आया कारण का पानी हो रिटर्न गया ये हिस्ट्री का करामत बोले उनके लिए वो पानी रूको खाजा की सुन रहा तू नहीं सुना तो पानी से भी बदतर क्या बात सुभान अल्लाह क्या आदमी देखा जैसा जो इन्हें देखा पृथ्वीराज क्या करना मैं अनास अगर एक पास गए तो पाया लेती हमें तिपला पड़ती क्या बात कहा तो बैठ के देख तो मोटा को बिठाती फिर अच्छा बिठा क्या करो इस वास्ते क्या करना तो हर दरबार में भी पहले के दौर में राजाओं के बादशाहों के दरबार में पैसे देको पालते किसे पहलवानों को जादूगरों को कोने की पालते जैसा इंडिया में भी मिलिट्री को पालने के रोज लड़ते क्या था कि लड़ने का वाह 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 क्या बात रोज नहीं लगते पर महीने को तनखा लिए अच्छा खा पी मजे में वाह वाह काफी जरूरत पड़ी पर आना। तो वैसे पृथ्वीराज भी अपने दरबार में जादूगरों को पाल को रखा था वो जादूगरों में जादूगर था जयपाल जोगी बड़ा उसे बोले आने क्या बात कौन भी नजदीक गया तो उधरी छोड़ रहा है इतने दिन से अब तक कृषि में क्या आज काम नहीं दिया खाली चरा को रखो तुझे तेरे जादू के पावर से अजमेर खाली खड़ा जब तक वो रहेंगे हम उनके खतरा है क्या बोले वो क्या बोली एक अब तक कभी आजमाया नहीं था ना कभी मौका मिलने का मौका नहीं मिला था ना खाजा के पास जादू के आग के शोले छोड़ने लगा सांपा खाजा हिसार वर्दी का कुछ बोलते थे अंदर नहीं आ रही आग भी नहीं आ रही सांपा क्या भी नहीं आ रही तो क्या बोलता जब पाया ऐसा है करते थे नीचे इतना कर रही न पहले मैं ऊपर जाता हूँ ऊपर जा रो तुम ना तेरे लिए नीचे से आना को तो क्या कि कुछ नहीं दे रही नहीं उत्तर से आप तुम गए तो कहा अशितु भी आप जादू के पावर से जादू का ऊपर उड़ गया जाको अब ऊपर जाको खाजा चैलेंज कर रहा सब आओ फिर तुम ऊपर मैं ऊपर गया उधर का क्या खाजा बोले मैं कहा गया हूँ तेरे पीछे नकल मेरे जूते को बोल दो खाजा अपने जूते को बोले देख बाबू ने फर्स्ट टाइम उड़ा है तुझे आन जूते फर्स्ट टाइम डाट रहा हूँ अल्लाह वाह 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 आज आगे किसे कर रहे हैं जूते जूता गया कैसा गया रहूँगा खाजा बोले तो गया जा को क्या कह रहा ऑन ड्यूटी के अंदर खाली नहीं बुला कर ना जूते कम ड्यूटी टप टप माता ला रहा है मैं ख्याल में पूछा अरे जयपाल तू इतना बड़ा जादूगर रुको इतनी छोटी जादू तो करना था कम से कम खाजा को नहीं तो नहीं जूते पे तो करना था कि जूता खाने से तो बचा तो जादूगर भी ख्याल में बोलता नहीं सूफी साहब मैं ट्राई करा कितना मेरा मंत्र का जोर हुआ जूते का उतना जोर हुआ मैं बड़ा बेहतर है खामोश नीचे चले जा क्या हाल है क्या बात अरे वो जूता जी कितना वफादार जी ना नदी में गिराया ना तालाब में गिराया ना पहाड़ को गिराया ना जंगल को सीधा लाखों खजमा के खजमा को गिराया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खाजा के खजमा को गिरते इन्हें दे
इनकी जूते में तप और आया तो ये खाजा में कितना पावर रहेगा, खाजा में पावर तो उनके आखा में कितना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जयपाल जोगी बोला, खाजा क्या बात, मैं जो गलती हूँ भी माफ करो, कलमा पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में दिल मुझे मुसलमान बना, खाजा तो उसे मुसलमान बना। मैं आपको फिक्र दे रहा हूं कि एक वली का जूता कैसी तबलीख करके बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वली का जूता तबलीख के लायक बना, जरिया बन गया। जयपाल को अगर जूते नहीं पहनते तो मानता नहीं था। क्या बात है। एक वली के जूते में अपना हक अदा करके सुभान अल्लाह। फिर मैं खाजा को ख्याल में पूछा, खाजा तुम्हारे पास जिन्नाता मुरीदा थे, तुम्हारे पास मोकुलात मौजूद थे, कौन से थे जिनको की मोकुल की भेज को तेरे वो जादूगर को पकड़ाना था, ये जूता आज कई को भेज, किसी और मखलूक को देता था, सुपर एलिमेंट जिन्नाता भी थे, मोकुल भी थे, खाजा के खादिमा। तो खाजा भी ख्याल में बोलती है, खादरी जरा होश में सुन तो, क्या सका ये हिंदुस्तान ही मियां, ये क्या है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है यहाँ, ये सब चीजों से जिन्नाता मंसिन से मानने का नहीं था, कभी भी तुझे ये सचा तो वास्ता पड़े करेंगा कि रसूल के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बोलने वाला कौन तो मिलेगा, तो जिन्ना तक जिससे जान को मैं क्या करा जूता जूता तू भी होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ख्वाजा सूफी मिन्नत जिंदाबाद। अब उसे पुराना हदीसा दिल क्या मानेगा, मैं छोड़ भी नको ख्वाजा को याद कर लेंगे। तो ख्वाजा हिंद का राजा गरीब नवासा का बहुत बड़े वली कामिक थे, जिंदगी तमाम सफर में गुजरी, हर मुल्क फिरे, मिसार शाम जोड़ा मगदा हर जगह फिरे, काका के बुजुर्ग है कि उनके सबकी सोबत पे बैठकर उनसे पीरू तो बरकत पाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामूली बात नहीं ख्वाजा का, यहाँ तक के 58 महीने ख्वाजा गरीब नवाज जो है शेख अब्दुल खादर जिलानी, महबूब सुबानी, गौसे समदानी, माशूक रब्बानी, महबूब अफजानी रजी अल्लाह तआला, गौसे पाक की सोबत में भी 58 दिन, महीने में 58 दिन, 50/8 दिन, 58 डेज तारीख में गौसे पाक की सोबत थे। खाजा गौसे पाक की सोबत में भी थे, कई बुजुर्गों की सोबत में भी थी, कई तरह की फ्यूज और बरकत लेके था जाए हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान, है ना, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, है ना, कि उन्हों हदीसों का इल्म भी लिया मुहद्दिसीन से, और तसव्वुफ का भी इल्म लिया, और तफसीर का इल्म भी लिया मुफस्सिरीन से, फिका का इल्म भी लिया। तो ख्वाजा हर तरह का इल्म सीखे, हर तरह के उस्ताद के पास गए। तो ख्वाजा मामूली नहीं थे, जब हिंदुस्तान को आए तो सबसे पहला काम आपने जो किया वो खानखा बना दिया, खानखा में हर तरह की तालीम देने लगे। वो तालीम देने के बाद जब पूरे हिंदुस्तान में एक ही वक्त में जो अजमेर से लेके ढाका तक 90 लाख लोगों को दायरे इस्लाम में लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे लाए, इल्म से, महब्बत से, खाजा के फ्यूचर से, खाजा अपने तालीमा से, अखलाक से लोगों को खरीद किया, इस्लाम की दावत दी। तो आज भी हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा कर्म ऐसा है कि हिंदुस्तान को खाजा भेजा ला। सुभान अल्लाह। ताकि हम भी उनकी तालीमा से, उनके फ्यूजात से हम भी मालामाल हो सके। ये है फैजान में ख्वाजा मुख्तसर।
दूसरा उन्होंने भी पोस्टर में डाला गया, अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात भी उसमें आई है, तो वो भी जरूरी है। तो असल मेरा मौजू शुरू अब तक वास्तव तमहीद और इंट्रोडक्शन तो जिस सूरत मुबारका को मैंने आज जो खुद पे उन्वान बना लिया वल असर इन इंसान लफी खुश कसम है जमाने की बेशक इंसान खसारे में बेशक इंसान घाटे में है बहसत इंसान लाश में है। इंसान की बात कर रहा हूं मैं, कुरान क्या बोल रहा है वल असर जमा इंसान नुकसान वाला शरी इंसान लगे खुश असर में जमा टाइम इंसान वाला सिर इंसान नुकसान जमा इंसान नुकसान और इल्ल लजीन अमनु ईमान चार बातें हैं लगभग ये सूरे में जमान इंसान नुकसान ईमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहसत इंसान नुकसान में है खाली इंसान इंसान कौन फिर वो अलग एक से नहीं जाता आदमी और है इंसान और है मुसलमान और है मोमिन और है मोहसिन और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सब कुरान से सबूत है आदमी कौन आदम जात आदमी जो आदम को पैदा हुआ आदमी को आदमी हता पावा का ना आदम जात को आदमी उन्हें इंसान कब बनता हूं आदमी बफल गालिब के मुमकिन नहीं हर काम का आसान होना आदमी को मयसर नहीं इंसान इंसान हर आदमी इंसान नहीं आदमी है भी इंसान बनना ना हो इंसान कब बनता इंसानियत आना क्या इंसानियत क्या है इंसानियत चंद मुमताज आला सिफात के मजमुए का नाम इंसानियत है चंद मुमताज आला सिफात के मजमुए का नाम इंसानियत है। इंसान निकला उनसियत से मोहब्बत से हमदर्द से चाहत से खुलूस से जब आदमी में उनसियत आ गई तो उसे बोलेंगे इंसान इंसान। अब बोलते नहीं क्या इंसानियत है नहीं तेरे पास ऐसे बात करा दिया तो इंसान का हवाल करते आदमी क्या नहीं करते बोलते इंसान करते क्यों जो सिफता इंसानियत के लिए होना तो उन्हें इंसान नहीं क्या कितनी इंसानियत से गिरी हुई बात कर रहे क्या तो आदमी और है इंसान और इबादत भी किस पर है वाजिब आदमी को नहीं इंसान को वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इबादत के मौलिक इबादत का सक्षम जो ही मखलूक पर लागू है एक इंस एक जिन ऐसा तो कायनात में 18,000 और में कितने मखलूकात हैं कानून तो कुरान बोला दो की इबादत है इंसान को जिन्ना इन्हें इंसान बना तो इसके ऊपर सक्षम लागू हुआ इबादत का और यहां कुरान क्या बोल रहा है वलास्त्री इन्नल इंसान लफी खुस्र खत्म है जमाने की बहसत इंसान घटे में जब तक इंसान है तो भी घाटे में है
फिर घाटे को दूर करना तो क्या करना, क्या कुरान मनु जो ईमान लाया 25% प्रॉफिट चार आने फायदे में, वामिलु सालिहाती अमले सालिहा किया 50% प्रॉफिट। सुभान अल्लाह। कुरान खाली मेरे हद तक कोई ईमान लाया, नमाज पढ़ा, घर में गया तो 50% लास्ट में से क्या करना, वतवासो बिल हक, हक का प्रचार करनी है, जिसे तो हक मान लिया उसका ऐलान कर, और हक बोलेंगे या तो तकलीफ आती, वतवासो बिसब सबर कर ले। तो चार चीजा होना तेरे में, नुकसान से बचना चाहता है तो पहले ईमान, बाद अमल, तीसरा हक का प्रचार, चौथा सबर, नुकसान को बचाने के लिए चार चीजें चाहिए। अब हमें चक्कर को देख लेंगे कि हमें कितने प्रॉफिट में कितना लॉस में, इंसान कह के रहेगा ले नुकसान में है ना, वो नुकसान को दूर करना तो पहले ईमान लाना। कुरान की बातें करूंगी, ईमान लाना, ईमान का तो क्या ये भी मालूम होना नहीं, लोग बोलते हैं ईमान जाने की बात करते हैं, क्या ईमान जाता क्या, फिर जाता तो फिर आता भी रहेगा, आता कब जाता कब। हाँ। ईमान के बारे में जानने वाली जान ले वो आता कब जाता कब, कब आया कब गया, लोग बोलते नहीं ईमान जाता ऐसे बात लोग को करो करते, फिर आता कब, कब आया जाने के बाद में ले आया कब, आता कब, ईमान वाला कब बनता, कौन ईमान वाला, पहले ये होना। तो कुरान से पूछेंगे, ए कुरान बता तेरी नजर में ईमान वाला होने के लिए क्या लाजिम है, आपने हदीस से पूछेंगे, क्या बात क्या बात, फतवा नको मुफ्ती मौलवी से, कुरान हदीस से बात करेंगे, ताकि ऐसे वैसे लोग होते भी कुरान खोल को देखेंगे, हदीस पढ़ को देखेंगे कि उनके ईमान के कैटेगरी में है ही क्या नहीं है। कुरान बोलता है क्या, नवा पारा सूरह अनफाल के आयत करीमा में है, मोमिन वही होते हैं जिनके पास अल्लाह का जिक्र आया तो दिल कांपना, जो इल्लत कुलूब हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का तेज तब्दीली आना, दिल कांपना, इनकलाब आना, रेवोल्यूशन आना, अल्लाह के बोल रहे क्या भी चेंजेस नहीं है, अजरो ये कुरान तेरा ईमान में डाउट है, कुरान फरमाता है नमल मोमिनीन अल्लाह जिक्र अल्लाह जलत कुलूबो, बेशक वही मोमिन होते हैं जिनके पास अल्लाह का जिक्र आने से दिल कांप जाए, अरे हम अल्लाह बोल रहे हैं हमारे में क्या ही तब्दीली नहीं आई है, तो क्यों नहीं आई मिया, इस वजह से न तो अल्लाह को जाना न पहचाना, न उसकी कहरियत का इदराक है, न उसकी जबारियत का एहसास है, अल्लाह अल्लाह मुसीब बोला नादान जुबान तेरी जाकी है, मस्कूर से तो वाकिल है, नादान के जुबान पे खाली इस्म है, मुसन्ना से वाकिल है, तुझे अल्लाह ही नहीं मालूम है, अल्लाह अल्लाह बोल के बुद्धा हो गया, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह कहाँ है, जब तक तेरे अंदर इनकलाब नहीं आएगा, तेरा दिल नहीं कांपेगा, तू मोमिन नहीं। क्या समझा कुरान, क्या तब्दीली तेरे में, अरे कम से कम तेरे दुश्मन का नाम लिया तो तुझे गुस्सा तो आया, तेरे सामने तेरे दुश्मन का नाम लिया तो हजरत कई कुछ उसका नाम लिए सो बता, इतना तो इनकलाब आया, गुस्सा तो आया कम से कम नाम सुनको, दुश्मन का नाम सुनको गुस्सा तो आया, फिर अल्लाह का नाम सुनको क्या आया, गद्दार खा अल्लाह का पीरा अल्लाह का, अल्लाह तुझे हया दिया, जान दिया, सवाद दिया, तंदुरुस्ती दिया, जोर दिया, बच्चे दिया, दौलत दिया, अकल दिया, पागल नहीं बनाया, दीवाना नहीं बनाया, फिर अल्लाह ने तेरे में क्या इनकलाब आया, क्यों जीरा हैवान की जिंदगी, खाया पिया बच्चे पैदा कर, मरे हैवान जब तक तो अल्लाह को नहीं जाना, मुंह क्या दिखाए अल्लाह को,
कई गुंबद हालत कर दुश्मन का नाम लिया तो इनकलाब आया। अल्लाह का तो क्या दिन, अल्लाह उसी भी गया कि रे बेवकूफ कौन अल्लाह कहां है अल्लाह भाई। मस्जिद नाम है, मस्जिद कहते तू अपने आप से गायब हो गया, तू खाली हो गया, तू फना हो गया, तेरे में मिंबर आ गया, मेहराब आ गया, कमाना आ गए, पूरी मस्जिद आ गई, तू फना हो गया, तू गायब हो गया, तू तेरे में नहीं आया, तेरे में मस्जिद आ गई, जब अल्लाह बोले तो क्या आया। भी मस्जिद के ख्याल से लफ्ज मस्जिद तू सुनिया, कमाना मिंबर आ सब तेरे लागे तू नहीं रहा, फिर अल्लाह गज बोले तो क्या भी आया। अल्लाह को बोली नहीं क्या बात, तुम्हारे तस्वूर में किसे लाए अल्लाह, इतिहाद में किसे लाए, तस्वूर में कौन, फहम में कौन, इदराक में कौन, शऊर में कौन, एहसास में कौन। अल्लाह बोलते तुम्हें खाली कैसे हो गए। अल्लाह कब तो जाया तस्वीर पकड़े, अल्लाह अल्लाह जुबान से बोल रहा है, बुढ़ा हुआ उम्र, अल्लाह को धोखा दिया। जब तक तेरे में रेवोल्यूशन नहीं आएगा कुरान से तुम मोमिनिश नहीं बने। झूठा पगड़ी तेरा बाप रहेगा मुसलमान, तेरा दादा रहेगा मुसलमान, तू कहां बना, अल्लाह का तो दिल नहीं कांपड़ा, धोखा क्यों दे रहा है दाढ़ी झूठा पगड़ी के, क्यों हालत कर रहा तेरी उम्र को, अल्लाह को नहीं देख रहा। देख उसे फी अन्फुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों में छुपा क्यों नहीं देखते था? देख कहां है, दूर नहीं है, नहन अकरब इलै मिन हब्लिल वरीद, तेरी शरत से ज्यादा करीब है, तेरे साथ है, खुर्दियत भी है, मैयत भी है, कुल्लु शयइन मुहीत, हर चीज को यहां तक किए हुए भी है, तहदातियत भी है, खुर्दियत भी है, मैयत भी है, तू इतना करीब रखने को नहीं देखा। गलिया फिरा तो अल्लाह मिलता क्या, नगर डगर फिरा तो अल्लाह मिलता क्या, झगड़ा पारा फिरा तो अल्लाह मिलता क्या, नहीं दोस्त अल्लाह को देखो क्या होना पानी। अगर मेरी तकरीर से किसी को बोर आता रहा तो मेरी उम्र को मैं खराब नहीं करता, तुम्हारा टाइम पास कर अल्लाह को मैं जवाब देने वाला नहीं बनता। तकरीर अब भी खत्म, किससे कान्या बोलने का नहीं, मेरा वो दौर चले गया, हजारों मेरे कैसेट तुम्हें मिलेंगे जिसमें किससे कान्या लतीफे, वो दौर अब नहीं है। क्यों, अल्लाह तुम्हें हिदायत देकर भेजा है, मैं दूसरे बातों में लगाया तो मैं मुजरिम, तुम्हारे घंटे का एक एक पल का मैं मुजरिम हूं अगर तुमने रुजू लल्ला नहीं कराया, जब तुमने हिदायत देकर भेजा उसकी तरफ से रुजू नहीं करा तो मैं मुजरिम, मैं गुनहगार हूं। तुम्हारा एक घंटा गैर फालतू बातों में खर्च कर दिया, एक घंटे की उम्र कहां से ला गई। अल्लाह बोली मैं तेरे ख्याल में मैं जलसे में भेजा था, तू मेरा ख्याल गिराना था, दुनिया के किस्से कहना बस बहुत हो गए, सुन सुन वो बुड्ढा हो गया, मौत कब आती मालूम नहीं, साई की तरह खेल रही है, जमाना हार्ट अटैक का है, बच्चे को अटैक, बुड्ढे को अटैक, जवानों को अटैक, नादान क्या गारंटी कल तक तू जिएगा। मेरे गफलत की जिंदगी क्यों जीरा, बगैर अल्लाह को जाने पहचाने के क्यों जीरा, आया खाया पिया हैवान नहीं आता, खाता पीता मरता गया, खूब खाया खूब सोया खूब कमाया मर गया, खबर में न जोड़ू न बच्चा, खबर में न जोड़ूंगी न बच्चा आएगा, न धंधा आएगा ना पानी आएगा, अरे खबर भी कोएगा तो मेरा मुस्तफा है। फिर अपने क्या नशे में जिंदगी गुजारे, सुबह उठेगी हैवान की तरह धंधे में फंस गए, रात का थक गया ना अल्लाह का जिक्र ना रसूल का, सोया दिन भर मेहनत करया, रात भर थक को सोया, सुबह उठा फिर भागा धंधे में, फिर कई के वास्ते जी रहा। पहले ये सवाल, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है, तुम्हें खाने का पीने का दौड़ करने का चलने का फिरने का, किसके वास्ते जी रही, किसके वास्ते खा रही, ऐसा अच्छा बुरा खाना जुरू को अच्छा रखना, जुरू के वास्ते जी रहा, खबर में जुरू नहीं आती, जुरू अच्छी है
मैं मन पेट में दर्द आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ जी तुम्हें तुम्हारे वास्ते मैं क्या क्या किस करूँ, मेरे दर्द में पार्टनर को लगो तो माफ करो, मैं क्या कर सकती हूँ। अरे मैं जिंदा रह तक मेरी जो रू मेरे दर्द में पार्टनर भी बन गई, खबर में क्या बनेंगी। ये जुरू के खातिर अल्लाह रसूल को नाराज करके ना नमाज पढ़ा ना दीन कराया, क्या बात कैसा बात जी रहा है। जुरू के जाकर तो शरीयत बोलती मैं तो तू जुरू को जेलिस के बाहर आना को अंदर ही गोशा। अरे वो जुरू के खातिर क्या क्या किस कराया, मरे तो कहां तक साथ दे दिए, घर की ढेरी तक बाहर नहीं आना। ये औलाद के खातिर नहीं, हराम देखा नहीं हलाल देखा नहीं, खूब कमाया हराम की हलाल की बिल्डिंग बनाया ताकि मेरे बच्चे किराया खा ले हराम का, मर गया तू औलाद कहां तक साथ देगी, खबर तक ठेले देने तक मट्ठी देने तक पाचा पढ़ने तक, ताकि लोग मालूम होना कितना बाप कुछ आने वाला आज की बात तक बहुत मालूम होने लगा। औलाद कहां तक साथ देंगी, खबर तक, जरूर साथ देंगी ढेली तक। अगर तो सब कुछ छोड़ को नबी को राजी करता तो नबी कहां तक साथ देते, जन्नत तक। सुभान नबी तुझे साथ देंगे, जरूर साथ दे रही ढेली तक, औलाद साथ दे रही खबर तक। अब जरा सोच रहे तो किसके वास्ते जी रहा है, इतनी तकलीफ पड़ को तो तेरे जिस्म को क्या बात, तकलीफ में डालना नहीं किसके वास्ते, पहले होना नहीं किसके वास्ते जी रहा है। कई को मेहनत कर रहा है, कई को धंधा कर रहा है, कई को नौकरी कर रहा है, किसके वास्ते कर रहा है, तेरा जीने का मकसद ही क्या है। कुरान से पूछिए, कुरान बताओ मैं किसके लिए जीना, मेरे जीने का मकसद क्या है। तो कम से कम मेरी नको मुफ्ती की नको कुरान की तो मन फलन क्या बोल रहा तेरे जीना किसके वास्ते जीना, तू कोलिना सलाती वो नुसुकी वो महियाही वो ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, कुरान क्या बोल रहा है, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह तेरे लिए, मैं क्यों जरो तेरे लिए, क्यों मरो तेरे लिए। कुरान वो महियाही वो ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। कई को जी रहा है अल्लाह को राजी करने, कई को मर रहा है अल्लाह को राजी करने। अब तेरे में है क्या, मैं अल्लाह राजी है क्या नहीं, मेरी सूरत से सीरत से कपड़े से लिबास से चलने से बोलने से उठने से सोचने से मेरे अकीदे से मेरे कौल से मेरे फेल से अल्लाह राजी हो रहा, कब तो सोचा क्या जी रहा हैवान बनो। कई को जीना अल्लाह के खातिर जीना, अल्लाह को राजी करने जीना, क्यों उसकी दी हुई ताकत मेरा जिंदापन मैं जिंदा होने की आती जान किसकी दी उसकी, तो मेरा ये जिंदापन किससे है, उसकी दी हुई ताकत से हय्युन की तजल्ली से जिंदा, तो ये जिंदापन उसकी आता, बोलतापन उसकी आता, सुनतापन उसकी आता, हयात समाज बसारा ये सब भी उसकी दी हुई ताकत है। मेरे निवे अल्लाह की अता किरदा ताकतें देखना बोलना सुनना जानना जिंदा अल्लाह की अता है। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह की दी हुई ताकत ले तो उसके हुक्म के खिलाफ करया तो तू वफादार क्या बंदा, क्यों जान की रस्मी नहीं ना अल्लाह की दी हुई, अल्लाह जान दिया गया तो तू जिंदा है ना, मियां देख रहा है उसकी ताकत से, फिर तो गलत देखा तो अल्लाह के खिलाफ, गलत बोला तो अल्लाह के खिलाफ, गलत सुना तो अल्लाह के खिलाफ, अरे तेरा क्या है सब उसका है, उसकी दी हुई ताकत लेकर उसी के खिलाफ, कितना गद्दार यार तेरा क्या है, सब उसकी अता है। अफसोस सद अफसोस इतना अल्लाह से गाफिल नहीं, हमें क्या समझिए खूब कमाना खाना सोना मरना नहीं। मेरे दोस्त दो दिन की जिंदगी ही ऐसा अच्छा जी के मर को भी तू जिंदा रहना, ऐसा आशिक बन को मर के मरे तो तेरी खबर को कौन आए तेरी अंदर से फिक्र करना, खबर को भी कोई गया को अंदर से तेरे हक में दुआ करेगा तल्ला तल्ला उसकी दुआ के सबके तुझे शफा मिलेगा। एक काम तो मरे सुनो की चलती क्या जी,
बस लोगों में से मर गया क्या जी मेरा मर गया मर्दों था जाना जरूर कई कुछ आशीन की वहाँ क्या जी है सो पे बोलती नहीं बाप वहाँ है बाप है तो तो जाती हूँ सब कौन जाता जिंदा जिंदे का नहीं जाता मुर्दा मुर्दे का नहीं जाता क्या होता नहीं साहब अंदर गई जिसे हो गया क्या तो लक्कू बोल रही साहब वली ऊपर भी जिंदा अंदर भी जिंदा कई बार मैं बोलू मिसाल एक और मिसाल बोलतू वो कैसे ख्याली मिसाल नहीं है 250 मिसाल जाको तुम्हें देखे तेरी कृष्णा क्या हुआ इंडिया में है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में अमरोहा तालुका अमरोहा मैं तुमने स्टेट बोला डिस्ट्रिक्ट बोला तालुक बोला उत्तर प्रदेश यूपी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट अमरोहा तालुक अमरोहा वो अमरोहा में दरगाह शरीफ है हजरत शाह विलायतुल्ला हुसैनी सहरवर्दी रहमतुल्लाही अलैह उन्होंने आए उनके पीर के हुक्म से तो उनसे पहले भी बुजुर्ग थे शाह नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्ला अलैह क्या बोले तुम्हें कई कोएंगी मैं पहले छिया हूं तो तुम्हें कई कोएंगी नको जाओ नहीं बाप मैं मेरे पीर के हुक्म से हूं मेरे भतू हूं गए नहीं रहना नहीं मैं भतू तुम्हें क्या तो यहां रहे तो तुम्हें मरे तो